देखिए कोविड केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये सही है, हम सभी तीसरी वेव की ओर बढ़ रहे हैं और कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि हम तीसरी वेव नहीं है, तीसरी वेव ही है ये। प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। आज की स्थिति में डेल्टा वायरस भी पाया जा रहा है, ओमिक्रॉन वायरस भी पाया जा रहा है। डेल्टा वायरस ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है लोगों को। ये जो बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत हल्का वायरस है, इससे कुछ नहीं होता है, हल्की फुल्की उससे जाता है, ये कुछ हद तक बात सही होगी, पर जिस स्पीड से बढ़ रहा है ये स्पीड खतरनाक है। ऐसी स्पीड से जब केसेस बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल का एडमिशन रेट बढ़ जाता है और बेड्स की ऑक्युपेंसी बढ़ने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। बड़े कार्यक्रम कोई भी ना कराएं, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, अगर जा रहे हैं तो मास्क पहने वहां पर, ये प्रिकॉशंस लोगों को रखना जरूरी है। स्पॉट फाइनिंग कार्रवाई चल रही है, लोगों को अर्जेंट किया जा रहा है, किंतु ये भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति को सतर्कता नहीं रखी जा सकती है या सख्ती नहीं की जा सकती हर व्यक्ति के ऊपर, तो लोगों को खुद भी सतर्क रहना होगा। तो मैं सभी से बोलूंगा मास्क अनिवार्यता पहने। सर आज बच्चों का वैक्सीन, जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं प्रतिदिन, अगर कल 180 आए थे, आज मतलब परसों 80 आए थे, कल 110 आए हैं, तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुगनी तिगनी स्पीड से डेली केसेस बढ़े हैं इसमें, और ऐसी परिस्थितियों में डेफिनेटली प्रतिबंध लगाए जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों का अभिमत लेकर के और राज्य शासन निर्देश पे ही ये ऑर्डर जारी होंगे, पर हाँ आने वाले समय में जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी पूरी संभावना है कि शादियों की संख्या में लिमिट फिक्स की जाएगी, बड़े आयोजन रैली प्रदर्शन इन सब पे रोक लगेगी जिस प्रकार से केसेस अभी बढ़ रहे हैं, तो ये संभावना पूरी है। सर मेडिकल फैसिलिटीज के हिसाब से तैयारियां पूरी ऑक्सीजन की समुचित हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, सभी निजी अस्पतालों का बड़ा सहयोग रहा है, उन्होंने प्लांट्स लगा लिए हैं, सभी का ऑपरेशन है, दो तीन अस्पतालों में एक लाइफ केयर हो गया, एक ग्रेटर कैलाश हो गया और एक एप्पल हो गया, तीन अस्पतालों के द्वारा अभी तक प्लांट नहीं लगाए गए हैं। इनमें एडमिशन्स की संख्या को 75% हम लोगों ने कम कर दिया है और इनको बोला है कि लगा लें ये, क्योंकि अल्टीमेटली कोविड के पेशेंट्स यहाँ भी एडमिट होंगे और अस्पताल की जिम्मेदारी ही हम लोग मानेंगे कि उनको ऑक्सीजन की पूर्ति करें वो लोग। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी सभी जगह प्लांट लग गए हैं, ऑपरेशनल हैं। हुकुमचंद में बिजली का इशू था, उसका रेक्टिफिकेशन चल रहा था, लाइन डल रही थी, एक दो दिन में वो भी पूर्ति हो जाएगी और हुकुमचंद का प्लांट भी चालू हो जाएगा। प्योरिटी सभी जगह 98% 96% से ऊपर है, जो समुचित है इतनी प्योरिटी ही रिक्वायर्ड है।